लड़का अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अपने गर्लफ्रेंड के लिए एक फोन खरीद रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड के फोन का दीवाला निकल चुका है। निकिता भी उसके इस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होती है, पर उनका ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला था। अगले दिन सुबह जब प्रदीप अपनी जान निकिता को फोन करता है, तब निकिता उस फोन को रिसीव तो करती है पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उधर प्रदीप निकिता की आवाज ना सुनकर जानू जान ये सब कहकर छत पर चढ़ रहा था, और इधर निकिता के फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करके उसका पापा बाहर बैठकर आराम से उनके इस गुफ्तगू को सुन रहा था। तभी वो अंदर आकर कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि मुझे छोड़कर कोई और भी तुम्हें बेबी बुलाती है। ये सुनकर निकिता को समझ आ जाता है कि बहुत जल्द उसके एल लगने वाले हैं, और अगले ही पल प्रदीप उनके घर पर था। उसकी हालत तो उस सिपाही जैसी थी जो जंग लड़ने से पहले ही हार मान चुका था। तभी वहाँ एक आदमी पानी लेकर आता है, वो कहता है, सर 20 रुपए। ये सुनकर प्रदीप उसे पैसे देने जाता है। आदमी कहता है, तुम भला पैसे क्यों दे रहे हो? वो कहता है, आप अपनी बेटी मुझे दे रहे हो और मैं यहाँ सिर्फ 20 रुपए नहीं दे सकता। ये सुनकर उसका बाप कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ 20 रुपए में मेरी बेटी को खरीद सकते हो।